हेलो हाय दोस्तों, मैं हूँ साजिदा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर के कन खजूरे को किस तरह से भगा सकते हो। कोई कहता है मैम मेरे वॉशरूम में से कन खजूरा बहुत आ जाता है, कोई कहता है कि मेरे बेसन में से आ जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा आसान सा नुस्खा है जिससे आप अपने घर के बाहर कर सकते हो कन खजूरे को, या तो वो भाग जाएगा या फिर वो मर जाएगा। दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल सी नुस्खे आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसकी हेल्प से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक मग। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसमें मैं पानी ऐड करूँगी, आप जितनी मात्रा में बनाना चाहते हैं वो हिसाब से पानी ले लीजिए। और हमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स लेना है विनेगर। जी हाँ दोस्तों, विनेगर एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जिसकी वजह से कन खजूरों को बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स। तो बहुत ही सिंपल सा आसान सा नुस्खा है। तो यहाँ पर मैंने विनेगर को ऐड कर लिया है, इसको थोड़ा से मिक्स कर लूँगी और इसको अच्छे से देखिए मिक्स हो जाता है ये, इसको कोई टाइम वगैरह नहीं लगता है। और हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों नमक। जी हाँ दोस्तों, नमक कोई भी कीड़े मकोड़े को भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। नमक से दोस्तों नमक से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होके परेशान होके भाग जाते हैं कीड़े मकोड़े। आप लोग ने देखा होगा मैं काफ़ी वीडियो में काफ़ी नुस्खे में इस्तेमाल करती हूँ नमक को, क्योंकि नमक से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता है दोस्तों। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ नमक को इस्तेमाल करना। तो इस नुस्खे में भी नमक का इस्तेमाल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। और ये देख सकते हो दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह से अखा नमक यानी कि खड़ा नमक है तो भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसको अलमारी में कपूर की तरह रख सकते हो, इससे भी कीड़े मकोड़े भी नहीं आए ना ही कन खजूरा आएगा। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको थोड़ा सी और हमें पावरफुल बनाने के लिए एक ऐसा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करना है दोस्तों जिससे कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं आ सकता है, चाहे वो कन खजूरा हो, चाहे वो कोई भी कीड़ा हो, बड़ा हो छोटा हो, जो भी वॉशरूम के पाइप के ज़रिए आता है वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं डेटॉल का इस्तेमाल कर रही हूँ, एक ढक्कन ले लेती हूँ यहाँ पर, और इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देख सकते हो आपका एकदम पावरफुल सा नुस्खा बनकर तैयार हो गया है। इस नुस्खे को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो मैं वो बताऊँगी दोस्तों। इसको अच्छे से मिक्स करना है पहले, फिर कोई भी बॉटल हो या स्प्रे बॉटल हो, किसी भी तरह की कोई भी बॉटल हो, लेकिन सबसे आसान तरीका तो ये एक होता है कि आप जो है स्प्रे बॉटल में अगर आप डालेंगे तो इजीली स्प्रे कर सकते हो। तो ये देख सकते हो दोस्तों, इस तरह की कोई भी स्प्रे बॉटल होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप इसको पोछा भी लगा सकते हैं इससे। जिन लोगों के घर में कन खजूरा आ जाता है डायरेक्टली, आप उसके ऊपर डायरेक्ट स्प्रे भी कर सकते हो या फिर आप पोछा लगाएंगे तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि हमने इसमें डेटॉल का इस्तेमाल किया है। और आप इस तरह से स्प्रे बॉटल में रख के आप वॉशरूम में स्प्रे कर सकते हो, या फिर आपकी जो सिंक का पाइप होता है उसमें भी डाल सकते हो। तो दोस्तों, किसी भी फॉर्म में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने तो बताया है, या फिर आप इस तरह से नमक रख के भी इससे भी काम हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको हेल्पफुल मिला होगा इस वीडियो से। तो मेक श्योर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से वीडियो लाती रहती हूँ अपने चैनल पे। न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और रेसिपीज़, अलग अलग टाइप्स की मेरी वीडियो होती हैं। तो फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।